हल्द्वानी क्षेत्र की जनता द्वारा बेस हॉस्पिटल में व्याप्त कमियों के संदर्भ में लगातार मिल रही जानकारी को संज्ञान में लेते हुए विधायक हल्द्वानी सुमित हदयेश जी ने आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चिमवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत बगड़वाल, महानगर कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल संघ शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर हॉस्पिटल की जमीनी हकीकत जानी। डायलिसिस वार्ड सहित सभी वार्डों का गहनता संघ निरीक्षण करने के साथ साथ भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना तथा तीमारदारों से हॉस्पिटल में मिल रही सुविधाओं और कमियों की जानकारी लेने के उपरांत सुमित हरदेश जी ने ओपीडी ब्लॉक, इमरजेंसी और फार्मेसी का भी निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी को लेकर विधायक सुमित हरदेश ने CMS डॉक्टर हंकी से बात की और हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सभी आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण किया विधायक जी, आपकी क्या कहना है? देखिए, आज सारे जो हमारे गणमान्य कांग्रेस के सीनियर लोग हैं इनके साथ ये पूरे अस्पताल का हमने निरीक्षण करा, कई मरीजों से हमने बात करी, विशेषतम डायलिसिस सेंटर और महिला वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड और जितने भी OPDs थी वहाँ पे और दवाई का जहाँ वितरण हो रहा था वहाँ पे उन व्यवस्थाओं को देखा। उनमें जो सुधार आने हैं उसके लिए CMS से आग्रह भी करा। एक चीज़ हमने पाई कि यहाँ पे स्टाफ अंडर स्टाफ ये हमारा शोभन सिंह जीना अस्पताल है और इस पर लोड बहुत ज़्यादा है। आज कम से कम नहीं तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मरीज़ सुबह से आ चुके हैं और बुरी तरीके से यहाँ पे जो हमने देखा बुखार उल्टी दस्त की परेशानी से लोग ग्रस्त होकर काफ़ी यहाँ पे एडमिट है, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएँ। तो इसलिए अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए CMS से सुझाव भी मांगे गए हैं और उसको ये भी आग्रह करा गया कि उपकरण हो या मैन पावर हो या कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिससे अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनकी सुख सुविधा पे सुधार आए, उनकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें सुधार आए, उसके लिए आप हमसे आग्रह करें और हम ऊपर पूरी आवाज़ उठाकर यहाँ पे व्यवस्थाएं लाने का प्रयास